सैलोल। अब दरअसल ये कल हमने ना बनाया था सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल की तीन विशेष स्थितियां थीं ना, तीन विशेष स्थितियों में से ये सेकंड है। और कल इससे पहली स्थिति कराई थी एस्पिरिन, जो कि एक दवाई होती है, तो वो बनाई थी हमने। सैलोल देखो क्या है कि जब सैलिसिलिक अम्ल को नाम बताएगा इसका? हाँ जी भैया, तुम बताइए इसका नाम। हाँ जी पीछे, एथेनॉल। और आगे? हाँ भी सर, ये यही है वैसे, इसका रूप बदला हुआ है बस। C6H5 बेंजीन ही है, मैं एथेनॉल दिखाई दे रहा है, फिनोल है। तो फिनोल के साथ दोबारा से गर्म कर रहे हैं POCl3 की उपस्थिति में। यहाँ से एक एच हटता है, ये OH, और ये पूरे का पूरा ऐसे जाके लग जाता है जैसे सोडियम एसीटेट बनता था, ऐसे ही अब के ये एसीटेट बना है। यहाँ से C00 और H की जगह पर ना ये C6 और H5 आ गया है, बाकी ये OH ऐसे रहा है और जल निकल गया है। इसे कहते हैं सैलोल। ये घावनाशी होता है। तुमने नाम सुना होगा डेटोल। ऐसे ये डेटोल सैबलोन होते हैं, ऐसे सैलोल भी होता है। कहीं जख्म वगैरह हो जाता है तो ये उसका एंटीसेप्टिक की भांति कार्य करता है सैलोल। इसका अरे जैसे होता है ना सोडियम एसीटेट, जैसे एसिटिक अम्ल होता है CH3COONa, तो हम सोडियम और एसीटेट अलग लिख देते हैं, या अगर हम यहाँ लिख दें C2H5 तो एथिल एसीटेट लिख देते हैं। तो ऐसे ही ये सैलिसिलिक अम्ल ना, तो ये तो सैलिसिलेट हो जाएगा, और ये जो होता है ये फेनिल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाता है, अगर वैसे नॉर्मली रासायनिक नाम पूछें तो फेनिल ग्रुप, तो ये आ गया फेनिल। और ये फेनिल सैलिसिलेट, ये होता है इसकी विशेष स्थिति। दरअसल ये विशेष स्थिति क्यों कराई जाती है, अलग से इनका फॉर्मूला भी आ जाता है। सैलोल का सूत्र लिखिए ऐसा करके आते हैं एग्जाम में, एस्पिरिन का IUPAC नाम बताइए, एस्पिरिन का रासायनिक सूत्र लिखिए, इस तरीके से आते हैं, तो इसलिए ऐसा याद रखना है सैलोल। तो लिखेंगे इसमें जब सैलिसिलिक अम्ल को जब सैलिसिलिक अम्ल को फिनोल के साथ POCl3 की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड होता है। अभिकृत करते हैं तो सैलोल बनता है, जो कि एक घावनाशी है, जो कि एक घावनाशी है। लो इसे देखो, एक सेकंड और लिखना। देखो सैलिसिलिक अम्ल को तीसरी स्थिति भी इसकी समझो, CH3OH। इसका क्या नाम होगा? पैग वालों, पैग वालों से पूछ रहे हैं ना, रहते हैं अभी, और उम्मीद लग रहा है तुम्हें पास हो जाओगे फिर ऐसे। हाँ भाई अमित, मंडाइयों के नाम पे मैथेनॉल, चलो मैथेनॉल से भी काम चला देंगे।
हाँ एक ही बात है, जब सैलिसिलिक अम्ल को मैथिल अल्कोहल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में इसे वैसे ही इसे गर्म करते हैं तो यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, तो यहाँ COOCH3 और ये OH, जैसे फेनिल बना था ना, तो अब क्या मैथिल हो जाएगा, मैथिल सैलिसिलेट और जल अलग निकल जाता है। ये विंटर ऑयल कहलाता है, समझते हो क्या होते हैं विंटर ऑयल, कोल्ड क्रीम, पॉन्ड्स, याद आ रहे हैं, वैसलीन, तो ये उसमें लगा, ये वो क्रीम नहीं है, उसके अंदर मिलाया जाता है, तो कहते हैं वो मॉइस्चराइजर क्रीम जो होते हैं, विंटर ऑयल। इसकी हिंदी बना लोगे अपना आप, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो बना लो, उतार लो इसे। हेडिंग है इसके बाद रिमर्टीमैन अभिक्रिया, अब ये अलग रासायनिक गुण है। हाँ जी, ये रिमर्टीमैन अभिक्रिया है, कहीं कहीं किसी किसी बुक में ना ये राइमर के नाम से भी दे देते हैं, राइमर टीमैन ऐसे, तो राइमर भी लिख देते हैं, रिमर भी लिख देते हैं, वो इंग्लिश का खेल होता है, बाकी कुछ नहीं। रिमर्टीमैन अभिक्रिया, रिमर्टीमैन अभिक्रिया में क्योंकि गुण जो है वो फिनोल के चल रहे हैं तो फिनोल ही यूज होना है। देखो जब फिनोल को क्लोरोफॉर्म तथा किसी जलीय NaOH या KOH के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो सैलिसिलिक अम्ल पहला बना था, इसमें अम्ल की जगह एल्डिहाइड बनता है, COOH की जगह CH हो जाता है, और ये सैलिसिल एल्डिहाइड कहलाता है, सैलिसिल और एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड कहलाता है। तो क्या होता है कि जब फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय NaOH की जब फिनोल को क्लोरोफॉर्म तथा जलीय NaOH के साथ 60 डिग्री पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, यह अभिक्रिया रिमर्टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। बाकी हिसाब किताब लगा के निकाल दो, क्या क्या निकलने की संभावना है बताओ भाई। ये तो एक जनरल सी बात होगी कि इन्हें गर्म करेंगे सैलिसिलिक अम्ल बना देंगे, मतलब अगर किसी को सैलिसिलिक एल्डिहाइड का फॉर्मूला पता है तो वो सैलिसिल एल्डिहाइड बना देगा, इनका इनका। अब बात आती है बैलेंस करने की और एक्स्ट्रा उत्पाद निकालने की, क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या बन सकता है। लड़कियों में से भी बता दे करो कभी कभी, अभिक्रिया तो तुम्हारे हिस्से में भी इतनी आएंगी। हाँ जी, इधर इधर मुझे बताओ आपस में क्या बात करनी है। NaCl और हाँ जी क्या निकलेगा, देखो मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें जो है C का तो यूज हो गया तो C तो हट गया है, हमारे पास H बचे हैं, Cl बचे हैं, Na बचे हैं और O बचे हैं, ये तीन प्रकार के यौगिक बचे हैं, मतलब हिसाब लगाने के लिए है कि Na है, O है, H है, Cl है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है, सारी दुनिया जानती है क्या संभावनाएं हैं। अब NaCl और H2O, ये है अगर कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है ना तो भारी सवारी अभिक्रिया भी ना ऐसे चुटकियों में आराम से निकाल के ले जाओगे साइड में को ना। ये अब समस्या आ जाती है बैलेंस करने की, बैलेंस करने के लिए देखो एक को बैलेंस करोगे दूसरा अपना बैलेंस ही मांगेगा तुमसे, तो ये तुम्हें पता है कि NaCl है, यहाँ Cl कितने क्लोरोफॉर्म में, तीन है, तो तीन से तुमने गुणा की, Cl तीन किया, पता चला सोडियम तीन हो गए, सोडियम तीन हो गए तो सोडियम भी तीन हो गए तुम्हारे, अब बाकी देख लो अपने HOH कितने हैं, बस करे क्या, तीन हमने सोडियम तीन किए थे, ओ तीन हो गए हमारे, ठीक है ना जी। अब उसमें से एक हो यहाँ खर्च भी हो गया, एक हो खर्च हो गया ना, तो कितने बचे फिर,
तो दो हो गए, हो गए क्या? तीन एच हैं, एक एच है, चार एच हैं, तीन ओ में से दो ओ वो हैं, तो पूरी अभिक्रिया हो गई है, सैलिसिलैल्डिहाइड लिख देंगे। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये, जितनी कॉल में सिमट अभिक्रिया है इतनी ये स्मिट अभिक्रिया इतनी है, इसमें लिख देंगे नहीं जी, रासायनिक गुण है प्योर वाला इसका। इसमें लिखेंगे इसकी तो क्रिया विधि भी करेंगे हम, हो गया। जब फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म तथा जलीय NaOH, क्लोरोफॉर्म तथा जलीय NaOH या KOH, KOH मत लिखो तो मैं डाउट ही होगा यार, NaOH रहने दो। क्लोरोफॉर्म तथा जलीय NaOH के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो सैलिसिलैल्डिहाइड प्राप्त होता है, सैलिसिलैल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया रिमर्टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। और समय लिखो, इसके निम्नलिखित चरण हैं। नंबर वन, देखो तुम्हें पता होना चाहिए कि अभिक्रिया हमें बनानी क्या है। तो ये थी अभिक्रिया के फिनोल जो था वो CH Cl3 और NaOH के तीन तीन अणु यूज हो रहे थे, बाकी जो भी बन रहा था सैलिसिलैल्डिहाइड वो तो बन ही रहा है। अब ये खर्च कैसे होंगे? ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें एक साथ पड़ गई होंगी, स्टेप बाय स्टेप काम चलेगा इसमें। सबसे पहला है नाभिक रागी का निर्माण, नाभिक रागी का निर्माण में ये होता है कि CH इधर खोल दो, Cl ये है। अब इसमें बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूटेगा कार्बन की साइड, तो H प्लस जो है वो तो निकल जाएंगे और CCl3 बचेगा ऐसे करके, इस तरीके से बचेगा। इसमें से एक सी एल और कम होगा, अभी एक सी एल और कम होगा और वो बंद टूटेगा सी एल की ओर को। तो देखो जब सी एल की ओर को बंद टूटेगा ना तो सी एल माइनस जाएगा, ये प्लस जाएगा, ये उदासीन हो जाएगा। तो यहाँ ना ये CCl2 बचेगा और अपने दो इलेक्ट्रॉन छोड़े हुए होगा यहाँ, मतलब दो बंद बनाने के लिए अभी ये रेडी रहेगा और ये कहलाएगा नाभिक रागी। ये नाभिक रागी बना है, ये सब बिलियन में घुल रहे होंगे, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी ये जैसे ही से एन खाली मिलेगा ये उसके साथ क्रिया कर जाएगा और ये जैसे ही से OH खाली मिलेगा ये उसके साथ क्रिया करके जल बना देगा। मतलब जैसे जैसे मिलते रहेंगे ये अपने अपने एक्स्ट्रा उत्पाद बनाते रहेंगे। अभी नाभिक रागी बनकर तैयार हो गया है, सेकेंड स्टेप चलेगा अब कि जो नाभिक रागी है ये फिनोल पर आक्रमण करता है। नाभिक रागी का फिनोल पर आक्रमण,
आक्रमण, और जब आक्रमण करेंगे तो फिनोल जो है वो कुछ इस तरीके से है। अब जो क्रियाविधि होती है ना उसमें मैक्सिमम जितना हम यौगिक को खोल सकते हैं ना ऐसे खोल कर दिखाते हैं, जैसे कि ये है, इसमें ओ है, इसमें ये एच है, एक बंद ये है, एक बंद ये है, एक बंद ये है। नाभिक रागी इससे क्रिया करना आ रहा है, यह है नाभिक रागी। तो होता क्या है कि नाभिक रागी क्रिया करेगा, नाभिक रागी वहाँ क्रिया करेगा जहाँ इसे बंद खाली मिलेगा। अब यहाँ तो कहीं भी कोई गुंजाइश है नहीं बंद खाली होने की, 60 डिग्री पर गर्म करना स्टार्ट कर दिया है। तो जब नॉर्मली गर्म नहीं कर रहे थे तो कोई बंद नहीं टूटा, लेकिन जैसे 60 डिग्री पर गर्म करेंगे ना तो ये वाला बंद टूटता है, ठीक है ना जी, ये वाला बॉन्ड भी टूट जाता है। तो देखो दो बॉन्ड टूटेंगे, एक बॉन्ड तो टूटेगा ये, तो इस पर माइनस हो जाता है, इस पर प्लस हो जाता है। ऐसे ही एक बॉन्ड टूटेगा ये, इस पर माइनस हो जाता है, इस पर प्लस हो जाता है। तो प्लस माइनस मिलके तो आपस में ये बॉन्ड बना लेंगे, देखो यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया इन्होंने, ये H जो है वो ये अलग निकल गया, अभी जब ज़रूरत पड़ेगी तब यूज हो जाएगा। यहाँ जो है जगह खाली हो गई होगी तो ये आके जुड़ता है इससे ऐसे करके, यहाँ CCl2, याद रखना अभी कार्बन का H भी यही है इसका। तो यहाँ लिखते हैं हम ऐसे, देखो इसने अभी एक बंद बनाया है, याद रखना एक बंद बनाया है, इसका एक बंद अभी खाली है। तो ये क्या करता है कि ये का इससे हाइड्रोजन जो है ना वो अपने साथ मिला लेता है, अपने बंद पूरे कर लेता है। तो इसे कहते हैं पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास होता है इसका। और जी CHCl2 ऐसे करके बंद चलते हैं। यहाँ तक याद रखना अभी हमारे पास क्लोरोफॉर्म खर्च हुआ है, ठीक है जी, क्लोरोफॉर्म खर्च हुआ है। अभी हमारे पास जो था NaOH का यूज होना शुरू होगा, हुआ नहीं है अभी तक। तो जी देखो इधर सबसे पहले इसमें से होता ये है कि दो एन ए, अरे दो एन ए ओ एच इससे क्रिया करते हैं, तो दो एन ए ओ एच क्रिया करते हैं तो दो सी एल हट जाते हैं, उसकी जगह दो ओ एच आ जाते हैं, है ना, दो सी एल हट जाते हैं, दो ओ एच आ जाते हैं। तो जी ये अपने आप में थोड़ा सा अजीब ही क्रियाविधि होती है इसकी, CH और ये OH का होल ट्वाइज, बाकी NaCl जो है तो वो दो NaCl निकल गए, दो NaCl निकल गए हैं। अब सुन लो भाई, अब होता क्या है कि अब यहाँ से ये जो बंद टूटा है ना, ये बंद फिर दोबारा बनेगा अभी यहाँ, क्योंकि यहाँ OH चाहिए होता है, तो बंद फिर दोबारा से टूटेगा। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास में ये ओ एच टूटता है, या ऐसे लिख देंगे एच प्लस का संयोग, और ये माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता है। अरे रुक जाओ भाई एक मिनट, बिल्कुल आ गई जी। अच्छा अब ये कोई, ये कैसे पता चल रहा है कि आगे नहीं आगे भाई, तुम्हें क्या लग रहा है कि अभी क्रिया सिर्फ यही आएंगे क्या कि एन ए को सी एल के साथ गर्म करके एन ए सी एल बनता है, इंटर में आके ऐसी भी क्रियाएंगे, अब इंटर में ऐसी अभी क्रियाएँ आती हैं, अभी 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 क्रियाएँ देखी कहाँ, अभी पूरे बोर्ड पर अभी क्रियाएँ चलेंगी, ये पहली अभी क्रिया थोड़ी सी बड़ी आ रही है, तो हमें नहीं करनी है, लेकिन जिसे करनी उन्हें तो पढ़ने दो, जिन्हें नहीं करनी वो बैठे रहो आराम से, लेकिन बाकी लोग पढ़ना आ रहे हैं बेचारे, क्या पता कोई पढ़ ले। तो जी और इसमें स्टेप सरल करने का, ठीक है देखो भाई एक मिनट जरा, अरे बोलो मत, जब ये वाला H यहाँ से हटा था, ये वाला H तो बॉन्ड टूटा था
ऐसा करके कार्बन की ओर को, तो इस पर माइनस आया था, इस पर प्लस आया था, तब जाके ये बना था। तो कुल मिला के जो है वो यहाँ माइनस चलेगा। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये माइनस है और ये माइनस, अरे ये प्लस और ये माइनस मिलकर आपस में बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ जो है वो ये वाला एच चला जाएगा और तुम्हें कुछ ऐसा नजर आएगा, ये ओ एच और ये सी एच और ये ओ एच का होल ट्वाइज यहां आ जाता है। जल का निराकरण देखो इधर, दो ओ एच है, दो ओ एच है, इसमें से दो एच और एक ओ निकल जाता है, मतलब जल का अणु पूरा निकल जाता है और जो फाइनली बचता है तुम्हारे पास वो बचता है जो रिएमेंटीमेंट में फाइनल उत्पाद आता है सी एच ओ और ये ओ एच, और यही है सैलिसिल एल्डिहाइड। ये है तुम्हारे पास, इतनी कोई बड़ी भारी तोप नहीं जितने बड़े तुम हो जा बनना हो जा या इतने बड़े डरने पर लग रहे हो तुम लोग। क्लोरोफार्म से पहले एच हटाया, ये बना दिया हमने नाभिक रागी, ये भी बन गया, लेकिन इसमें से एक सी एल और कम किया और ये नाभिक रागी बन गया। अब नाभिक रागी जो है, अभी नाभिक रागी जो है वो फिनोल पर आक्रमण करेगा और इससे जाके जुड़ जाता है ये। देखो कोई भी नाभिक रागी तब जुड़ता है जाके जब जगह खाली हो, तो जगह खाली करवाइए बॉन्ड तोड़ के, बॉन्ड तोड़ जगह खाली करवाई, ये जुड़ गया, यहाँ से एच हट गया थोड़ी देर के लिए, वापस यही वाला एच जुड़ा यहाँ आके, ये हो गया। अब रीअरेंजमेंट हुआ, एच प्लस जो वो यहाँ आके जुड़ गया, यहाँ माइनस आ गया है, ऐसे ही पुनर्विन्यास हो गया, ये एच जो यहाँ शिफ्ट हो गया। एन ए ओ एच का संयोग होना था, एन ए ओ एच की मतलब क्रिया होनी है इससे, तो सी एल हट जाते हैं, यहाँ ओ एच आ जाते हैं, ये आ गए हैं वापस, जो एच इसने त्यागा था वो लेगा, वो यहाँ से बॉन्ड टूट के ओ माइनस जाएगा, कार्बन प्लस जाएगा, तो ये प्लस माइनस आपस में बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ एच आ जाएगा, ये फिनोल बन गया, इसमें से जो बना तुम्हारे पास इसमें जल कणु निकाल दो, सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाता है। इतना करना है, उसके बाद अलग रासायनिक गुण है, युग्मन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, एक मिनट देखना जरा इसे, कभी उसमें कुछ नहीं लिखना। अरे देखो इधर, युग्मन अभिक्रिया में यह है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फिनोल के साथ जब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हैं, तो ये पूरे का पूरा देखो यहाँ से ये एच और ये सी एल ऐसे निकल जाते हैं और ऐसे का ऐसे जुड़ जाएगा आगे चल के, वहाँ जगह नहीं, मैं थोड़ा नीचे बना रहा हूँ, उसमें कुछ नहीं लिखना, क्रिया विधि में वो ऐसे ही उतरना है। इसे कहते हैं एजो रंजक एस से निकल जाते हैं। एग्जाम में युग्मन अभिक्रिया भी आ रखी है, तो रासायनिक गुण में ये भी लिख देना।